भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय का एक बयान सामने आया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि उनके घर संदिग्ध बांग्लादेशी काम कर रहे हैं। गौरतलब है कि विजयवर्गीय का निवास इंदौर में है और वो बीजेपी की ओर से बंगाल के प्रभारी भी हैं। विजयवर्गीय ने ये बताया कि उनके छोटे बेटे का विवाह अगले महीने है, मजदूर उसका कमरा तैयार कर रहे थे। और जब मैं घर पहुंचा तो 5-6 मजदूर एक ही थाली में पोहा खा रहे थे। मैंने नौकर से पूछा कि उन्हें खाना क्यों नहीं दिया, तो नौकर ने कहा कि ये सिर्फ पोहा ही खाते हैं। मतलब खाने के तरीके से कैलाश विजयवर्गीय को संभवतः ये शक हुआ कि ये बांग्लादेशी हैं। क्या कुछ कह रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय, सुनिए जरा। मैं क्लास को 9 बजे आया, सीधा अपने रूम पे गया तो उसके सामने उसका रूम बन रहा था। वहां पर एक थाली के अंदर 6-7 मजदूर इतने सारे पोहे, मतलब कम से कम 10 प्लेट एक थाली में रखे पोहे खा रहे थे। मैंने कहा पोहे क्यों खा रहे थे? मैंने कहा, मैंने अपने सरवन को बताया, एक तो नहीं इनको रोटी वोटी नहीं बनाई, उन्हें हम रोटी खाती हैं क्यों, मतलब ये पोहे खाते हैं बस। मेरे को शंका हुई कि कौन से देश के हैं यार, सिर्फ पोहे खाते हैं और थाली भर भर के। मेरे को शंका हुई मुझे, ठेकेदार को बुलाया मैंने, तो मतलब ये कहाँ के लोग हैं? सर शायद सर ये बाहर के हैं सर। तुमने कहा तुम इनको कैसे मेरे काम में लगाए? सर ये सस्ता लेबर है। बोले कैसा, क्या मतलब? बोले सुबह 9 बजे से रात को 9 बजे तक काम करते हैं, 2 रुपए खाना देते, 300 रुपए लेते हैं, और अपना मजदूर 600 रुपए लेता और 5 बजे काम बंद करके चले जाता है, इसलिए हम 3 मजदूरों का रहता है। बांग्लादेश से आप लोग इतने सालों से मुझे देख रहे हैं, मैंने कभी मंत्री भी था तो सिक्योरिटी रखी कभी? आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यहाँ पर एक बांग्लादेश का आतंकवादी 1.5 साल से मिली रेखी बाहर निकलो, वो 6-6 बंदूकधारी मेरे आगे पीछे चलते, मेरे बच्चे नहीं, मैंने कभी इंदौर में देखा ही नहीं, सोचा ही नहीं।